अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और सोचा नहीं था कि इतना अच्छे पढ़ाई होगी यहाँ पे, मगर यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे बिल्डिंग्स अच्छी है सारी, मतलब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पे क्लीनिंग बहुत अच्छी है प्राइवेट स्कूल के मुताबिक, यहाँ पे बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट स्कूल अच्छा है प्राइवेट से, और गवर्नमेंट में पढ़ाई भी अच्छी है और प्राइवेट में भी अच्छी है, पर गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छी है। सरकारी स्कूलों का 12वीं क्लास के नतीजे 98% आए हैं, 98%। डियर फ्रेंड्स, मैं कुलभूषण शर्मा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस। नीसा बजट प्राइवेट स्कूलों का एक राष्ट्रीय संगठन है। मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। पूरे देश में एक चर्चा का विषय उठा हुआ है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली के स्कूलों की का भ्रमण कर रहे हैं, और विदेशों से भी लोगों ने दिल्ली मॉडल को भ्रमण करके आगे चर्चा कि दिल्ली की शिक्षा में ऐसा क्या हुआ। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु जितना उसको दिखाया जा रहा है शायद इस पर सवाल हो सकता है। और सवाल करने का मुख्य कारण हमारा ये है कि अगर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, केजरीवाल साहब ने और मनीष सिसोदिया जी ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है, और वो आत्मा से मानते हैं कि सच्चाई में ये परिवर्तन हुआ है, तो फिर राइट टू एजुकेशन के तहत मैं पूछना चाहता हूँ कि 25% बच्चे अभी भी प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेजे जा रहे हैं, जब सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है, तो फिर कानून में बदलाव करना चाहिए। और दिल्ली सरकार को इतनी भारी भरकम राशि जो है वो खर्च नहीं करनी चाहिए, और ऐसे बच्चों का प्रवेश भी ऐसे बेहतर विद्यालयों में करवाना चाहिए जिनका वो दावा कर रहे हैं, अन्यथा ऐसे लगेगा कि जो वो कह रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरा सवाल आपके साथ भी है और आम आदमी की पार्टी की सरकार के साथ भी है कि अगर सही में यह परिवर्तन हुआ है तो तुरंत प्रभाव से राइट टू एजुकेशन के बच्चों को इन कायाकल्प किए हुए स्कूलों में प्रवेश दिलाना चाहिए, और प्राइवेट स्कूलों में इनके प्रवेश बिल्कुल तुरंत बंद कर देने चाहिए। यही सवाल मैं आपसे के सामने रखने के लिए प्रस्तुत हुआ था। जय हिंद, जय भारत।